हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका सॉल्वेंट। आप रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे सॉल्वेंट देखते हो, ओके, कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले लो, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आप इन द प्रेजेंस ऑफ आपको सॉल्वेंट देखने के लिए मिलता है। तो वो सॉल्वेंट एक्चुअली में कौन से टाइप के होते हैं, कैसे सॉल्वेंट होते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ओके। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे हमारा बहुत नम्र निवेदन है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको CSIR नेट केमिकल साइंस और जो आपका गेट केमिस्ट्री है उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ओके। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आप अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, अगर किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अगर आप कोई सॉल्वेंट के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हो तो आपको खासकर एक ही तरह का सॉल्वेंट आपको देखने के लिए मिलता है, वो होता है आपका पोलार सॉल्वेंट, ओके। सारे के सारे जो सॉल्वेंट होते हैं वो पोलार सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन पोलार सॉल्वेंट के अंदर भी आपको दो टाइप के पोलार सॉल्वेंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के पोलार सॉल्वेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके। और यहाँ पे आपका दूसरे टाइप का सॉल्वेंट, तो जो सबसे पहला टाइप है यहाँ पे सॉल्वेंट का उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, ओके। तो एक सेकेंड, सबसे पहला टाइप है आपका पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। दूसरा जो टाइप है वो है आपके पास पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये दो तरह के पोलार सॉल्वेंट आपको खासकर पढ़ने होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। अभी पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कभी भी पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात करते हो तो इसके अंदर जो आपका H+ आयन है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर आपको प्रेजेंट की अवेलेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर आप सेम अगर आप अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करो तो इसके अंदर जो आपका H+ प्रोटॉन है वो क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है, ओके। एक आपको डिफरेंशिएशन समझ गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है कि इसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, ओके। और दूसरे में जो आपका पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट है इसके अंदर किसी भी तरीके का नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। यहाँ पे आपको कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, ओके। ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखो जो पोलार प्रोटिक के, तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका H2O मॉलिक्यूल, यानी आपका वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद आपका मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, आपका कोई भी कुछ भी ग्रुप आप ले सकते हो, ओके। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हो, ओके, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, तो इसके अंदर आपके कुछ बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला है आपका एसीटोन, जो एक पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, ओके। ये आपका एक सॉल्वेंट हो गया। दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है DMSO, ओके, जिसको अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो इसको हम लोग डाइमिथाइल सल्फोक्साइड कहते हैं। तीसरा आपका एक और इस तरीके का एक और अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको खासकर रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है, जो होता है आपका DMF, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो आपको जहां पे भी आपको DMSO या फिर DMF अगर आपको जहां पे भी सॉल्वेंट दिख जाए, आप किसी भी रिएक्शन को करोगे तो वहां पे आप समझ जाओ कि वहां पे आपका पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल हुआ है। अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ओके। तो हम यहाँ पे अभी सेपरेट हेडलाइन डालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, वो है आपके पास पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट ये एक्चुअली में किस तरीके का सॉल्वेंट होता है, कैसे रिएक्शन करता है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी यहाँ पे जब भी आप पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हो ना, तो इसके अंदर एक छोटा सा जो एक पॉइंट है इसको हमेशा आप ध्यान रखना, ये मैं आपको लिख देता हूं, ओके। इफ अनायन इज प्रेजेंट इन पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, ओके।
अगर आपका जहां पे भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, कम होगा, इस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी कैसे कम होगा ये आपके सामने सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से अगर आपका पोलार प्रोटिक कोई भी अगर हमने पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो उसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे कम हो जाता है, कैसे डिक्रीज होता है, ये सबसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है न्यूक्लियोफाइल है या फिर नेगेटिव चार्ज आप ले लो। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे कम होता है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपका एक एग्जांपल लेता हूँ जो है हमारे पास वाटर का, ओके, ये आपके पास HOH, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल आ गया। हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता है कि ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, आपका ऑक्सीजन क्या होता है पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव। सिर्फ आप एक में यहाँ पे ध्यान रखो, बाकी सब में आपको मैं बार बार यहाँ पे आपको मेंशन शायद ना कर पाऊँ कि आपका पार्शियली पॉजिटिव ये है, पार्शियली नेगेटिव ये है, या पार्शियली पॉजिटिव ये है। अभी इसके अंदर कैसा होता है कि जो आपके पास पार्शियली पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, इनके बीच में आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, ओके, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर हम एक और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ले ले इस तरीके से, तो इनके बीच में भी आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे एक और तीसरा मॉलिक्यूल अगर हम ले लें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में भी आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट, यहाँ पे भी आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे चौथे वाले मॉलिक्यूल में भी इंट्रैक्शन, साथ में यहाँ पे एक और अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं ले लूँ तो इसमें भी आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है सेंटर में है, ओके, और ये जितने भी आपके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रैक्शन कर रहे हैं। अभी ये इंट्रैक्शन कैसा है, ये इंट्रैक्शन आपका नेगेटिव और पॉजिटिव इंट्रैक्शन है, ओके। जहां पे भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है वहां पे आप समझ जाओ कि उनके बीच में क्या हो रहा है, एक तरह से अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ओके। यहाँ पे आपका सिंपली क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा, करेक्ट, ये आप मानते हो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप पार्शियली पॉजिटिव अगर आप काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज क्या होते हैं डोमिनेंट होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल के पावर को उसके मतलब एक ऑरा को क्या करते हैं कम कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आपको हमेशा कभी भी अगर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेते हो तो वहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है डिक्रीज होता है ड्यू टू आपका जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक के साथ उसकी वजह से, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे बहुत कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जिसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आप जितना छोटा अनायन लोगे, ओके, स्मॉलर अनायन, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे हाइड्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी हाइड्रेशन क्या होता है, जो हमने वाटर के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक का जहाँ पे एडिशन करवाया था उसी को हम लोग क्या अटैक करवाया था, उसी को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे छोटा अनायन मतलब ज्यादा हाइड्रेशन कैसे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे आपके पास यहाँ पे मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, मेरे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल है F-, ओके, यहाँ पे आपके पास है Cl-, यहाँ पे मेरे पास है Br-, और यहाँ पे मेरे पास है I-, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे छोटा है, करेक्ट, ये आपका उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। अभी यहाँ पे अगर आप कोई एक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे आप लेते हो, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कोई एक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे लेता हूँ और फिर उसके साथ कंपेयर करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपका मतलब जितना आप छोटा यहाँ पे अनायन लेते हो उतना ज्यादा आपका हाइड्रेशन कैसे होता है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आपका अगर आप फ्लोरिन लेते हो, ओके, F-, तो F- का जो साइज होता है कुछ इतना होता है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लेते हो, ओके, तो क्लोरीन का चार्ज मतलब साइज कुछ इतना होता है, यानी थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमीन का साइज कुछ इतना बड़ा होता है, ओके। उसी तरीके से अगर आप आयोडीन लेते हो तो आयोडीन का चार्ज इतना बड़ा होता है, यानी धीरे धीरे क्या होता है साइज इंक्रीज होने लगता है, करेक्ट, ये बात आप मानते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपके पास फ्लोरीन के ऊपर कोई एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। सेम अगर क्लोरीन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी मुझे यहाँ पे चारों अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, चारों का अगर आप साइज देखो, ओके, चारों के साइज देख के आप मुझे ये बता सकते हो कि किसके ऊपर चार्ज ज्यादा इंपैक्ट करेगा और किसके ऊपर चार्ज बहुत कम इंपैक्ट करेगा, ओके। जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा रहेगा वहां पे जो चार्ज होगा आपका नेगेटिव चार्ज वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा उस फ्लोरीन के ऊपर,
लेकिन आयोडीन का साइज इतना बड़ा है कि उसके ऊपर वो चार्ज थोड़ा सा भी मैटर नहीं करता, वो चार्ज रहे या ना रहे उससे आपके आयोडीन को कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि कभी भी जब आप पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेते हो या फिर आप जब भी एक H2O मॉलिक्यूल लेते हो, जो आपका क्या होता है एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो पोलार प्रोटिक मॉलिक्यूल होता है, जब भी ये रिएक्शन करता है किसी छोटे मॉलिक्यूल से, ओके, तो उस छोटे मॉलिक्यूल के ऊपर आप आसानी से क्या होता है वो अपना जो चार्ज होता है वो उसको डोमिनेट करता है। जिसके कारण यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका सबसे छोटा साइज है ये आप मानते हो, जिसके कारण फ्लोरीन में आपको सबसे ज्यादा आपको हाइड्रेशन देखने के लिए मिलता है, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको इतना मैंने समझाने में मैं सफल हुआ हूँ कि आपको हाइड्रेशन आपका फ्लोरीन के ऊपर क्यों ज्यादा होता है, ओके। ये बात रही आपके पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट की। जब आप पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हो तो उसके अंदर क्या होता है ये हम थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं पोलार पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी अगर आप कोई पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप लेते हो तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं ये थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जहां पे भी आपका पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए ना, वहां पे आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, ओके, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। ये बात क्या करना है आपके दिमाग में सेट कर लेना है। प्रोटिक सॉल्वेंट आया तो न्यूक्लियोफाइल कम होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, अप्रोटिक आया तो क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी बढ़ेगी, ओके। अब ये कैसे बढ़ेगी, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था ना, हमने हमने एक एग्जाम्पल देखा था एसीटोन का, ओके, ये करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था यहाँ पे DMSO का एग्जाम्पल देखा था। एक और एग्जाम्पल हमने देखा था वो था हमारे पास DMF था। इस तरीके के तीन एग्जाम्पल हमने अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर देखे थे, करेक्ट, ये बात आप मानते हो। अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे सेंटर के अंदर, करेक्ट। अब ये न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ आपका कोई एक अप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने क्या किया रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया DMSO का, ओके, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। ये आपके पास DMSO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है मिथाइल ग्रुप है, ओके। यहाँ पे भी आपके पास DMSO मैंने एक ले लिया, यहाँ पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपके पास एक DMSO ग्रुप ले लिया मैंने, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मैंने एक DMSO ग्रुप ले लिया, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, करेक्ट। यहाँ तक आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे न्यूक्लियोफिलिक के साइड में चारों साइड में एक अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे आ गया। अभी अप्रोटिक सॉल्वेंट को थोड़ा सा हम यहाँ पे ये करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास आइटम यहाँ पे प्रेजेंट है, जो क्या करेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे भी आपको पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी आपको पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी आपको पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ओके। जब ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन होता है, यहाँ पे इंट्रैक्शन, यहाँ पे इंट्रैक्शन और यहाँ पे इंट्रैक्शन और यहाँ पे भी, अभी आप मेरे को बताओ कि आपका अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर आपका इंट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में, ओके, तो ये किस तरीके का इंट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमेशा क्या होगा आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा, ओके, करेक्ट, ये बात सही है। और यहाँ पे जब रिपल्शन जहां पे आपको देखने के लिए मिले तो यहाँ पे आप समझ जाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ना, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपका सल्फर है, यहाँ पे भी आपका सल्फर है, यहाँ पे आपका सल्फर है, क्योंकि हमने क्या DMSO लिया था ना, तो इस चीज को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सल्फर दिखाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आपका क्या दिखा रहा है ऑक्सीजन दिखा रहा है, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या दिखा रहा है यहाँ पे सल्फर दिखा रहा है, ओके। अभी इसके अंदर जब भी आप नेगेटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन आप देखते हो तो आपको पता है कि वहां पे क्या होने वाला है रिपल्शन होने वाला है, ओके। और रिपल्शन के कारण यहाँ पे एक मतलब एक छोटा सा यहाँ पे एक और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है कि यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, जो आपके ऑक्सीजन को लगा हुआ है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं आपके, यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखूं तो ये जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, ये एम्बेडेड होते हैं, ओके, ये एम्बेडेड होते हैं, ओके। एम्बेडेड होने के कारण यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का आपको जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन आपको करते हुए नहीं दिखते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, ओके। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही क्या करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपका इंट्रैक्शन नहीं कर रहे।
तो आप पॉजिटिव चार्ज को क्या करो, आप साइड में ले लो। नेगेटिव चार्ज के साथ जब इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ओके, और जैसे ही आपको पता है कि इन कंपाउंड के बीच में अगर कोई रिपल्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, तो रिपल्शन आपको हमेशा क्या करता है, रिपल्शन, ओके, रिपल्शन हमेशा आपको कहाँ लेके जाता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। ओके, यानी एक दूसरे से दूर अगर जा रहे तो कोई कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा, ये आप मानते हो। अगर वो कंपाउंड अनस्टेबल है तो ऑफकोर्स उसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ओके, ये इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको समझनी थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है और किस तरीके से ये एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं आपको ये समझाने में बहुत सफल रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका इंक्रीज होगा ड्यू टू आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट के कारण। ओके, अभी इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई स्मॉल यहाँ पे अनायन लेते हो, ओके, स्मॉल अनायन लेते हो जो क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके अंदर आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा, तो अब इसके अंदर क्या होगा, आपको मोर आपको इसके अंदर रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्योंकि ड्यू टू नेगेटिव नेट नेगेटिव इंट्रैक्शन। ओके, और अगर आप लार्ज यहाँ पे अनायन लेते हो, अगर आप यहाँ पे लार्ज अनायन लेते हो, ओके, न्यूक्लियोफाइल, तो इसके बीच में आपको क्या है, बहुत आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण यहाँ पे आपको मोर मोर डिस्पर्स आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, मोर डिस्पर्स का मतलब यही होता है कि जितना बड़ा आपका अनायन होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, जिसके कारण यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वो ऑफ कोर्स क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, उनके बीच में आपको रिपल्शन ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा लार्ज अनायन के अंदर। तो स्मॉल अनायन आपका लार्ज न्यूक्लियोफिलिसिटी, लार्ज अनायन स्मॉल न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल सा एक आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेरे को नहीं लग रहा कि आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्वेंट, एक आपका टॉपिक बच गया था बीच में जब हम लोग पढ़ा रहे थे, एक सीरीज में हम लोग ने पूरा ये रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, लेकिन सॉल्वेंट एक मुझे अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं, तो इसकी वजह से हमने वहां पे उस चीज को होल्ड पे रखा था। लेकिन इसको भी अभी हमने कंप्लीट कर दिया है आपका सॉल्वेंट। तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको सिर्फ रेड बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है, वो बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो, जिससे उनको एक अवेयरनेस तो हो जाए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपको पूरा CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट केमिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है वहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और ये जो नया टॉपिक होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।